नमस्कार, मैं आनंद शेखर आपका स्वागत करता हूं प्रभात खबर के बिहार न्यूज बुलेटिन में, जहां बिहार के विभिन्न जिलों की छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू होंगे। दरभंगा में डीजे बजाने से रोकने पर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपने दोस्त के साथ किसी काम से आरा गई युवक की बेटा लौटने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना कोइलवर मनभावन चौक के पास हुई। सिवान के असाव थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए लेकर जा रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया और उसके पास से 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। जहानाबाद के उत्तर सेरथू पंचायत भवन परिसर में जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 54 विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिला के सरना पंचायत से जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई। प्रथम जन संवाद कार्यक्रम शनिवार से आरंभ होगा। आरा वार्ड नंबर 4 में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही लगभग 50 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन नहीं कर रहा है, पर डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर पड़ोसी के अंतिम संस्कार में एक वृद्ध नदी में डूब गए। SDRF की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। जनता दल यूनाइटेड के हाजीपुर दिग्घे स्थित प्रधान कार्यालय में भाजपा के चरित्र को उजागर करने के लिए काली पट्टी एवं काला कपड़ा पहनकर जदयू विधायक समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बक्सर जिला के सिंहपुरा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अपराधियों ने लूट की भीषण घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों के अनुसार 19.5 लाख की लूट हुई है। पटना और हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 24 सितंबर से शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। वैशाली प्रखंड क्षेत्र के अमृतपुर पंचायत भवन में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं का लाभ लें। कैमूर जिला के नेवरास पंचायत भवन पर बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैमूर जिलाधिकारी से लेकर जिले के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित हुए। धन्यवाद। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ, और इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।